हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका न्यू पैटर्न के हिसाब से आपके मैथ्स के सैम्पल पेपर, क्योंकि 2020 से आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसी पैटर्न के बेसिस पे यहाँ पर सैम्पल पेपर आपके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सैम्पल पेपर बेसिकली वैसे तो आपका SA1 का है, जिसमें से आपके जो चैप्टर कवर हो जाते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 14, 15, मतलब लेकर पूरे 9 चैप्टर का जो है इसमें क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है। और अभी नहीं, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल तो अभी SA1 के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है तो उस टाइम पे भी आप इस वीडियो को ऑफकोर्स यू कैन सी, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर कवर किए गए हैं। साथ में हम शॉर्टली में आंसर भी डिस्कस करेंगे, सो दैट कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि हाँ इसका पर्टिकुलर आंसर क्या होगा, मैंने सही किया भी है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125, लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। आपको LCM निकालना है जिसमें क्या करें 70 और 125 का, जब हम क्या करें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिसमें हमें क्या करें बाद में जो रिमाइंडर है पर्टिकुलरली 5 and 8 जो है वो उसमें बचेगा। तो ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है LCM वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने वैसे आपको कराया हुआ है, जो आप सॉल्व करोगे तो ईजिली आप इसे निकाल सकते हो, और इसका जो फाइनल आंसर वो निकलेगा दैट इज़ 13। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इन एन AP, एक AP में D की वैल्यू ये है, N आपका ये है, AN की वैल्यू ये है, तो आपको क्या निकालना है, सिंपली आपको A निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, N का फॉर्मूला लगाकर आपका आंसर निकल जाएगा 28। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, जहाँ पर BC अपॉन में QR, आपका मतलब BC और QR के रेशो जो है वो 1:3 दिया हुआ है। तो इस केस में आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल PRQ का, और उसका रेशो निकालना है BCA के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे ना कि यहाँ पर सिमिलैरिटी तो दिया ABC PQR, यहाँ पर BC अपॉन में QR है, लेकिन जब यहाँ पर पलट दिया है ना, क्योंकि आपका जो आपका PRQ को ऊपर रख दिया, तो वैसे तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 9 होगा। और सपोज़ करो कि ये पलटते नहीं, ABC ऊपर रखते, PQR नीचे रखते, तो इसका आंसर 1/9 हो जाता। तो इस तरीके से थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेवल का तो है नहीं, जैसा कि आपको पता है कि SA1 में तो आपका सबका स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन आएगा, आपके फाइनल एग्ज़ाम में ही आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे अगर आपको बेसिक क्वेश्चन के देखना है कि बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क है, तो हमारे न्यू चैनल अपने चैनल पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर हमने अपलोड किया हुआ है कि किस तरीके से बेसिक और स्टैंडर्ड में जो है रहने वाला है फ़र्क। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऑफकोर्स, क्योंकि CBSE से जुड़े अपडेट जो है वहाँ पे हम कवर करेंगे। अब आप में से कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि दो चैनल बनाने का क्या पर्पज़ है। एक्चुअली एक चैनल पर जब हम बहुत सारी वीडियो बनाते हैं ना, तो नोटिफिकेशन नहीं जाता, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से केवल और केवल 24 घंटे में 3 ही वीडियो को नोटिफिकेशन जा पाता है। तो ऐसे में बहुत सारी वीडियो डालने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुँचता, इसलिए हमने सोचा कि उस वाले चैनल पे हम क्या करेंगे, जितने भी अपडेट्स आएंगे, न्यूज़ आएंगे, उसको हम उस पर कवर करेंगे, और जो भी हमारा स्टडी रिलेटेड मटेरियल है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसलिए उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने कहा कि ये जो नंबर्स हैं उसे अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, जिसका मीडियन आपका ये है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर मीडियन का पता है आपको, बीच का जो यहाँ पर दो चीज़ें जो मीडियन में आ रही है दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड करोगे, फाइनली आपका x की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 12। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द वैल्यू ऑफ मीन एंड मोड आर रिस्पेक्टिवली 30 and 15। इन्होंने कहा किसी पर्टिकुलर जो है डाटा उसका मीन और मोड इतना है, तो मीडियन आपको यहाँ पर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है आपका 25। फॉर्मूला भी अभी हम कवर करेंगे, क्योंकि इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि अल्फ़ा बीटा आपके जीरोज़ हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो आपको निकालना है अल्फ़ा और बीटा। तो जब आप दोनों को जीरोज़ निकाल दोगे, आप प्लस सम करोगे, तो आपका आंसर जो आएगा -5 आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़, आपके पास दो इक्वेशन, आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर केस में किस टाइप का सोल्यूशन होगा, क्या यूनिक होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो वहाँ पर सारा का सारा A1/B1 और A2/B2 को लेकर जो पूरा का पूरा है कि अगर कुछ भी इक्वल नहीं होता तो उस केस में आपका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आंसर भी आपका यूनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, आपके पास तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, 7 चैप्टर का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपली फार्मूला लगाकर आपका आंसर जो है 24 आ जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 है, तो इसलिए आपको वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आपको यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो ईजिली आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हो कि यहाँ पर ए का जो मान है वो पर्टिकुलर क्या होगा। और उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार हम मतलब एक ही डाइस है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उसमें प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि 2, 3, 5 जो है आपका प्राइम नंबर है और टोटल जो आपके डाइस में रिजल्ट हो सकते हैं वो आपका 6 होता है, तो 3/6, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, आपको बताना है कि फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑड नेचुरल, अगर 20 ऑड नेचुरल नंबर है ना तो 20 का ही स्क्वायर कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे। यहाँ पर नॉन लीप ईयर के बारे में, और ये क्वेश्चन तो देखना CBSE 100% पूछती है क्योंकि हर बार ही पूछती थी, तो इस बार तो और इतने सारे उनके पास ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, तो इस बार भी ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर लीप ईयर का क्वेश्चन आता है ना तब आपका आंसर जो होता है वो 2/7 होता है, जबकि नॉन लीप ईयर होता है तो आपका 1/7 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, पर्टिकुलर आपके पास इक्वेशन x-y = 0, तो उसका ग्राफ जो होगा वो कैसा जाएगा, क्या वो वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा, एक एक्स एक्सिस के, या फिर ओरिजिन से पास होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x = y हो जाएगा, और जब दोनों केसेस में जब इक्वल होता है ना तो पर्टिकुलर जो ग्राफ है वो आपका ओरिजिन से ही पास आउट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, आपके पास ये रेशनल नंबर ये कितने नंबर पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें सिंपली इसका तरीका क्या होता है कि इसका फैक्टराइजेशन निकाल दो, और 5 की जितनी पावर होगा वो उसी पे उसका डेसिमल क्या हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा। जब आप करोगे तो इसका 5 की पावर 4 निकलेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 decimal place। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द वैल्यू ऑफ सी फॉर द विच द इक्वेशन x² + 2bx + c = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। जब इन्होंने कहा ना इक्वल रूट जब तभी होता है जब आपका क्या है d = b² - 4ac हो, तो 4ac के जब आप ये वाला फॉर्मूला रखोगे तो फाइनली आपका आंसर जो है b² / a आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। मिड पॉइंट्स निकालने हैं हमें इन दोनों को यूज़ कर, तो मिड पॉइंट्स आप इजीली निकाल सकते हो x1 + x2/2, उस तरीके से y के पॉइंट्स भी निकल जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें से कौन सी जो है आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में स्टैंड करता है, मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। किसी भी केस में प्रोबेबिलिटी जो है माइनस में नहीं हो सकता, और 0 मतलब 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7/5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑफकोर्स 1 point something आएगा, जो कि एक प्रोबेबिलिटी के लिए पॉसिबल वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक कार्ड है जो कि हम रैंडमली निकालते हैं, जो टोटल कार्ड आपका 52 है। आपको प्रोबेबिलिटी इस बात के लिए बताना है कि जो वो कार्ड हो पर्टिकुलर ना तो हर्ट होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर जो आंसर है फाइनली आपका 9/13 निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे या फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे, बट डेफिनेटली इस बेसिस पे आपका क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है mode = 3 median - 2 mean। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर कौन सा टर्म है जो इस AP का 210 होगा। तो यहाँ पर आप n का फॉर्मूला लगाकर n निकाल सकते हो, और n जो है फाइनली आपका 10 निकल कर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में, जिसमें से आपके 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 marks के, तो 12 क्वेश्चन का पर्टिकुलर बनेगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका यूक्लिड डिवीजन से आपका HCF निकालने के लिए कह रखा है, तो आप इसको यूक्लिड डिवीजन से निकालोगे आपका फाइनली आंसर जो सॉल्व करके आएगा आई थिंक आपका 4 आ जाएगा। इन दोनों का जो HCF है वो आपका 4 आएगा। 22 में इन्होंने कहा है कि आज इसको प्रूव करूँ कि कंपोजिट नंबर है नहीं, तो अगर ये पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसको पर्टिकुलर सॉल्व करके आप कर सकते हो, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताना है जिसमें लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पर्टिकुलर ए पॉइंट यहाँ रहेंगे, उसके बाद जब इक्वल पार्ट में यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ ये निकल जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट निकालो ये निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट निकालोगे तो ये भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी खैर एग्जाम में आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। इन व्हाट रेशियो, इन्होंने कहा पर्टिकुलर 2 points इनको किस रेशियो में जो डिवाइड करेंगे, तो ये आपका वाई एक्सिस पे जाएगा। तो वाई एक्सिस पे कभी होता है तो एक्स की वैल्यू 0 होता है, तो पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाकर k = 1 लेकर आपकी जो है k का मान निकाल लोगे तो वही आपका रेशियो जो है वो निकल कर आ जाएगा।
एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी में से है, रेड बॉल ग्रीन बॉल, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, आपका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें वाइट बॉल निकल जाएगा आपका 7/16 और नाइदर रेड नॉर वाइट, ना रेड चाहिए ना वाइट चाहिए, इसका मतलब ग्रीन तो चलेगा ना, तो उसमें इसमें आपका 4/16 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, की कौन कितने 3-डिजिट के नंबर जो हैं वो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर मेन जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आपने एपी बना लिया आपका आंसर निकल जाएगा, और एपी जो है 105 और उसके बाद 112 और जो लास्ट होगा वो क्या होगा आपका 994 पे होगा। उसके बाद आप एन निकाल लोगे, एन की वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बाद एन जो है आपका 128 जो है इसका आंसर फाइनली निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इन्होंने कहा एक रेक्टेंगल है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, इसको इसके इक्वल रख दो, इसको इसके इक्वल रख दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। और उसके बाद 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है इरेशनल, जो कि हर बार आता है, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन इस तरीके से है, हालांकि हमेशा ये दोनों ना ऑप्शनल में पूछे जाते हैं, तो अगर आप ये भी प्रिपेयर कर लोगे ना तो ज़रूरी नहीं है, बाकी आप दोनों प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28 में है, डिटरमाइन करना है आपको एपी जिसका थर्ड टर्म 16 होगा और जो 7th टर्म होगा वो एक्सीड करेगा 5 से, तो यहाँ पर आपको एपी निकालना है। तो एपी के लिए आप ए और डी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक तो निकलेगा 4 और डी की वैल्यू निकलेगी 6, उसके बाद पर्टिकुलर आपको एपी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ट्रायंगल में से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड है, तो इसको भी प्रिपेयर करना प्रूव करना है, तो इसका आंसर तो हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, तो यहाँ पर आपको फिर से इक्विडिस्टेंस का पॉइंट इन्होंने पूछ लिया, आंसर आपका इक्विडिस्टेंस वाला लगाओगे फॉर्मूला तो जो आपका -7 और 0 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 31 में है आपका बोट को लेकर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को लेकर पहले इक्वेशन बनाओगे, तो स्पीड ऑफ जो बोट निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 8 किलोमीटर पर आवर, जबकि जो आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकलेगा दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके पास पर्टिकुलर एक पॉलीनोमियल जिसमें दो जीरोज दिए रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कई बार दो ही चार क्वेश्चन है, एक तो आपका रूट टू रूट थ्री करके, मतलब कैसे भी करके ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो इसमें सबसे पहले आप जी एक्स निकालोगे, तो इस क्वेश्चन में जब आप जी एक्स निकालोगे ना, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको जब जी एक्स निकालोगे तो थोड़ा सा आंसर मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, तो 2x² - 3x + 1 निकल कर आएगा, और बाद में दो जीरोज तो आपके पास ऑलरेडी, और बाद के जीरोज एक तो 1 निकलेगा और एक आपका 1/2 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेन प्रॉब्लम को लेकर, ट्रेन प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर, इसको सॉल्व करोगे तो आपका स्पीड ऑफ जो ट्रेन निकल कर आएगा दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। 34 क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मोड पूछा है, सिंपली आप मोड का फॉर्मूला लगाकर इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करें तो ये भी आपका और जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है वहाँ से प्रूव करने का है, तो इसको इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। 36 क्वेश्चन आपके पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें इन्होंने मीडियन दिया हुआ है एक्स और वाई की वैल्यू दोनों, ये जो क्वेश्चन है बुक के क्वेश्चन है, बट फिर भी जो इसके आंसर मतलब को जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछते रहते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी कर लेनी है, क्योंकि आप ये मानो ना बेसिक में तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। 37 क्वेश्चन आपका फिर से पर्टिकुलर एक थ्योरम का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है 38 के क्वेश्चन, जो इन्होंने कहा कि 3 नंबर्स जो एपी है उसका 24 है देयर प्रोडक्ट, काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसकी वजह से डी की ना यहाँ पे दो वैल्यू निकल कर आएगी, एक तो 3 और दूसरी -3, तो इस वजह से इसे यहाँ पर एपी भी दो निकलेंगे, और तो आपका डी तो निकल जाएगा 3 - 3, जबकि जो ए की वैल्यू निकलेगी वो 8, और फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग आप एपी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास 8 men and 12 boys जो फिनिश कर सकते हैं काम को एंड ऑल, तो इस तरीके से बताना है कि एक मैन और एक बॉय जो है उस पर्टिकुलर काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो आंसर जब निकालोगे तो मैन जो है पर्टिकुलर काम को 140 में, जबकि जो बॉयज़ हैं उसको 280 डेज में कर सकते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 की दो स्क्वायर्स हैं उनका सम करते हैं, तो ये आ रहा है, यहाँ पर भी इक्वेशन पर्टिकुलर बनेगा, और जब बाद में सॉल्व करोगे तो जो साइड्स हो जाएंगे पहले स्क्वायर का निकल जाएगा 12 मीटर, और जबकि दूसरे का निकलेगा 12 and 18 meter, तो दोनों को इस तरीके से आपको सॉल्व करके ज़रूर से ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कई क्वेश्चन आपको रिपीटेड सेम टू सेम भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और इस पैटर्न पर तो आपका डेफिनेटली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको सॉल्व कर सके, सब साथ मिलकर सॉल्व कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।